नहीं, निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। बूथ स्तर तक हमारा संगठन मजबूत है। आवेदकों की भीड़ कार्यालय में भी लगी है, मेरे यहाँ भी लगी है, और जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं वहाँ पर भी लगी हुई है। पहले चरण के चुनाव को लेकर के आज स्क्रीनिंग कमेटी की जिले स्तर पर बैठकें भी चल रही हैं। पैनल आने के बाद पार्टी उस पर निर्णय करके जल्दी से जल्दी प्रत्याशी घोषित करेगी। हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, बाकी सब कुछ जाओ भूल, याद रखो नरेंद्र मोदी और कमल का फूल। सर, समाजवादी पार्टी लगातार इस निकाय चुनाव में, मैं सपा के बारे में इतना ही कहूंगा, 13 मई सपा गई। सर, इस बार के निकाय चुनाव में अभी जैसे कल मायावती ने साफ कर दिया कि अतीक और उसके परिवार को टिकट मिली, तो कहीं ना कहीं ये जितने भी लोग हैं सर माफियाओं से अब कहीं ना कहीं सर पीछे हटते दिख रहे हैं, तो क्या लगता है कहीं कुछ फर्क? देखिए, माफियाओं को अपराधियों को राजनीति में लाने वाले भी लोग यही हैं, और आज जब समाज जागृत हुआ है कि हम अपराधियों के खिलाफ एकजुट हैं, तब इनको पीछे हटने के लिए भी सबको विवश होना पड़ रहा है। अपराध मुक्त और अपराधियों से मुक्त राजनीति चाहिए, गुंडों से दंगाइयों से मुक्त राजनीति चाहिए, भ्रष्टाचारियों से मुक्त राजनीति चाहिए, जिसमें लगे कि सर्वस्पर्शी राजनीति, सब समाज का ध्यान रखने वाले लोग, सबका साथ सबका विकास करने वाली राजनीति, ये भाजपा कर सकती है। कुछ का साथ कुछ का विकास करने वाले राजनीति के क्षेत्र में राजनीति करने लायक नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत गुमराह करके, बहुत दिन गरीबी हटाओ का नारा देकर के कोई सत्ता प्राप्त कर लेता था, कोई हमारी जाति के लोग सबसे ज्यादा इसलिए कोई सफलता प्राप्त कर लेता था, कोई किसी अन्य प्रकार के नारे देकर के सफलता प्राप्त कर लेता था, लेकिन अस्थायित्व भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। विपक्षियों ने जो भी जब जनता से वादा किया उसका 1% भी नहीं किया, भाजपा ने जो वादा किया उसका 100% किया। सर, सचिन पायलट अपनी ही पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं, धरने पर बैठ गए हैं। अरे, कांग्रेस उनको फिर इनवाइट कर, कांग्रेस इतिहास के पन्ने में दर्ज होगी, जिस कांग्रेस पार्टी ने पिछड़े वर्ग के गरीब परिवार से आने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इस प्रकार से अपमान किया और काले कपड़े पहन करके संसद में जाकर के विरोध किया। कानून से ऊपर एक परिवार के एक व्यक्ति को कोई मानता है तो उस कांग्रेस का अस्तित्व तो जैसे कोई सूर्य उदय होता है फिर सूर्यास्त हो जाता है। सर, अंतिम सवाल, अतीक और उसके बेटे पर एक बार फिर से FIR दर्ज की गई है किडनैपिंग को लेकर, तो जो अपराध करेगा FIR उसी के लिए, कानून उसी के लिए है। कड़ी सजा दिलानी है? नहीं, कड़ी से कड़ी सजा कानून के शिकंजे में ला करके दिलाई जाएगी, और कोई भी अपराधी कितना भी बड़ा हो, कितना भी उसके पास ताकत हो, लेकिन उसकी सारी ताकत कानून के सामने बौनी पड़ जाएगी और कानून के हिसाब से सजा दिलाएंगे, कठोर सजा।